नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग, बाबूलाल ने गरमाई झारखंड की सियासत। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में संवैधानिक मशीनरी ध्वस्त होने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करने की मांग की है। इस संदर्भ में उन्होंने मंगलवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को पत्र भेजा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार की जांच कर रही जांच एजेंसियों के अनुरोध के प्रति उदासीन है। जांच एजेंसियां मुख्य सचिव को लगातार पत्र लिख उनसे कार्रवाई करने का अनुरोध कर रही है, लेकिन राज्य सरकार इस पर मूकदर्शक और निष्क्रिय रही है। उच्च सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के अनुरोध को छोड़कर ऐसे 10 से अधिक मामले लंबित हैं। जांच एजेंसियों को न तो कोई जवाब दिया गया और न ही कोई कार्रवाई की गई, खासकर उन मामलों में जहां एजेंसियों द्वारा अनेक सबूत उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य सरकार सक्रिय रूप से आरोपित व्यक्तियों को एक साजिश के तहत बचा रही है। सरकार संविधान की मूल भावना के विपरीत कार्य कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप संवैधानिक तंत्र टूट गया है। गरीबों के लिए काम करे पुलिस अधिकारी सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के पुलिस अधिकारियों से आह्वान किया है कि वे गरीबों के लिए काम करें। झारखंड एक गरीब राज्य है और यहाँ के कई लोग दुखी और पीड़ित हैं। ऐसे में वे गरीबों पीड़ितों की सेवा कर आदर्श पेश करें। सीएम मंगलवार को हजारीबाग पुलिस अकादमी में 7वीं से 10वीं बैच के DSP जिला समादेष्टाओं के प्रशिक्षुओं की पारण परेड को संबोधित कर रहे थे। परेड में नवनियुक्त 39 DSP व 14 जिला समादेष्टा शामिल थे। मुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों को एक साल तक मेहनत करने की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि खुशी की बात है कि इस बार चयनित 53 में से 40 ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने संवेदनशीलता के साथ विधि व्यवस्था, अपराध अनुसंधान के अलावा आम जनता के साथ समन्वय बनाने की अपील की है। गैर पारा शिक्षक कोटे में आवेदन देने पर काउंसलिंग का निर्देश। झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ ने वैसे पारा शिक्षकों की काउंसलिंग का निर्देश दिया है जिन्होंने वर्ष 2015 के प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में गैर पारा शिक्षक की श्रेणी में आवेदन दिया था और अंतिम चयनित उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त किया था। ऐसे शिक्षकों के लिए अतिरिक्त काउंसलिंग की प्रक्रिया 4 माह में पूरी करने का निर्देश अदालत ने दिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने इस निर्देश के साथ ही सरकार की अपील याचिका खारिज कर दी और एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया। बता दें, एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर की थी। ए हेल्प के माध्यम से बदल जाएगी ग्रामीणों की जीवन शैली। ग्रामीण सहित शहरी क्षेत्रों में पशुपालकों की पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए मंगलवार को ए हेल्प योजना का शुभारंभ किया गया। हेसांग स्थित पशुपालन व सहकारिता भवन सभागार में कृषि मंत्री बादल ने इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पशुधन की सोच को साकार करने के लिए पशुपालकों को बीमा की सुविधा भी देने जा रहे हैं। पशुधन योजना के लाभ के लिए पंचायत प्रधान ग्राम प्रधान से ही जाति प्रमाण पत्र बनवा सकती है। इसके लिए किसी भी महिला को बाहर या अपने मायके जाने की जरूरत नहीं है। इस मौके पर केंद्र सरकार की सहायक पशुधन आयुक्त सुलेखा, NDDP के वरीय प्रबंधक ललित प्रसाद समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर कृषि मंत्री समेत अन्य अतिथियों ने पशु सखियों के प्रशिक्षण को लेकर ट्रेनिंग मॉड्यूल शेड्यूल का विमोचन भी किया है। ट्रांसजेंडर्स को पेंशन देने की प्रक्रिया शुरू। झारखंड में रहने वाले हजारों ट्रांसजेंडर को अब प्रतिमाह 1000 रुपये पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसको लेकर मंगलवार को समाज कल्याण विभाग की तरफ से किन्नर समाज के लोगों को बुलाकर इस व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही उनसे फॉर्म भरवा कर सारी प्रक्रिया पूरी कराई गई। 10 अक्टूबर से वैसे सभी ट्रांसजेंडर को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जाएगा जिनका ट्रांसजेंडर कार्ड बना हुआ है। किन्नर समाज के लिए वर्षों से काम कर रही सोशल वर्कर कुमुद झा ने बताया है कि वर्षों से ट्रांसजेंडर को उनका हक दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है, जो आज पेंशन के रूप में साकार होता दिख रहा है।
वहीं इस सुविधा से लाभान्वित हुई किन्नर नगमा बताते हैं कि राज्य सरकार की ये पहल प्रशंसनीय है। सीएम हेमंत द्वारा विपक्ष को भेड़ियों का झुंड बताए जाने पर बिफरी बीजेपी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को भेड़ियों का झुंड बताए जाने पर झारखंड बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा की सफलता से मुख्यमंत्री घबरा गए हैं। उनको आभास होने लगा है कि आने वाले चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी और उनकी जमीन खिसकने वाली है। ऐसे में मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देने लगे हैं। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि पार्टी का मानना है कि इंडिया घटक दल ही भेड़ियों का झुंड है। प्रदीप सिन्हा ने सरकार के कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि कांग्रेस जो इस सरकार में सहकर्मी है उनसे पूछना चाहिए कि जो मैनिफेस्टो में वादा किया गया था उसे क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है। झारगोव टीवी के फेसबुक और इंस्टाग्राम से हटाई गई अश्लील सामग्री। झारखंड सरकार की झारगोव टीवी के फेसबुक और इंस्टाग्राम को हैक कर अश्लील वीडियो और तस्वीरों जारी करने के मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल नए लिंक पर दोनों ही प्लेटफॉर्म से अश्लील सामग्री हटा दी गई। वहीं दूसरी तरफ मामले को लेकर रांची के गोंदा थाना में मंगलवार को FIR भी दर्ज की गई है। जाँच की जिम्मेदारी साइबर DSP यशोधरा को दी गई है। बता दें पूरा मामला झारखंड सरकार के अधिकृत सरकारी ब्रॉडकास्टिंग चैनल झारगोव टीवी से जुड़ा हुआ है। अज्ञात साइबर अपराधियों के झारगोव टीवी का फेसबुक और इंस्टाग्राम एक साथ हैक कर लिया गया था। हैक करने के बाद उसमें अश्लील वीडियो और फोटो डाले जा रहे थे। दशहरा दिवाली और छठ पूजा को लेकर DGP लेंगे जिलों के SP से जानकारी। दशहरा दिवाली और छठ पूजा पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन गंभीर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 13 अक्टूबर को DGP के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले DGP राज्य से सभी SP और बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की जानकारी लेंगे। बता दें आगामी पर्व त्यौहार के दौरान राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर झारखंड के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ किस तरह की प्लानिंग और तैयारी की गई है इसका जायजा 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुलिस अधिकारियों से लेंगे। मुख्यमंत्री की समीक्षा से पूर्व एक दिन पहले बुधवार को राज्य के DGP अजय कुमार सिंह पुलिस की तैयारियों की समीक्षा पुलिस मुख्यालय में करेंगे। 1 रुपये किलो चना दाल देगी हेमंत सरकार। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल परिवारों को झारखंड सरकार अगस्त महीने से प्रति माह 1 रुपये किलो चना दाल देगी। इसका लाभ राज्य के करीब 65 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों को मिलेगा। राशन कार्डधारियों को दाल देने के लिए राज्य सरकार ने बजट में करीब 500 करोड़ का प्रावधान चालू वित्त वर्ष में किया है। लाभुकों को 1 रुपये में 1 किलो चना दाल दिया जाएगा। बता दें खाद्य आपूर्ति विभाग ने नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से 55 रुपये किलो की दर से चना की खरीद की है। इस पर नेफेड ने 15 रुपये प्रति किलो प्रोसेसिंग की राशि सब्सिडी के तौर पर छूट दी है। छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर सांसद संजय सेठ। बीजेपी सांसद संजय सेठ छत्तीसगढ़ की चुनावी दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों का उन्हें प्रभार दिया गया। उन्होंने मंगलवार को प्रतापपुर विधानसभा की महिला मोर्चा एवं किसान मोर्चा के संयुक्त सम्मेलन में भाग लिया। प्रतापपुर विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। उम्मीदवार शकुंतला पोर्ते के साथ सांसद संजय सेठ ने महिला मोर्चा एवं किसान मोर्चा के संयुक्त सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं ने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की है। झारखंड मौसम। झारखंड से मानसून की विदाई की शुरुआत हो चुकी है। पलामू प्रमंडल से मानसून सोमवार को ही विदा हो चुका है। दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग से लौटने लगा है। पलामू प्रमंडल से मानसून की विदाई की शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे 1-2 दिनों में झारखंड से मानसून की विदाई हो जाएगी। फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान की माने तो 16 अक्टूबर तक झारखंड में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दूर दूर तक बारिश के आसार नहीं है। इस तरह दुर्गा पूजा की शुरुआत में मौसम साफ रहेगा।
झारखंड की बेटी को भारत सरकार ने किया सम्मानित। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के घोर नक्सल प्रभावित टोटो प्रखंड के रेंगड़ा हाथु आंगनवाड़ी की सेविका गीता पूर्ति को कुपोषित बच्चों को बेहतर इलाज के लिए कुपोषण उपचार केंद्र चाईबासा में भर्ती कराने के उत्कृष्ट कार्य के लिए मंगलवार को नई दिल्ली विज्ञान भवन में महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार स्मृति जुबिन ईरानी ने सम्मानित किया है। टोटो प्रखंड अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है, उसमें रेंगड़ा हाथु पंचायत नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, जहां न आने जाने की सुविधा है और न ही कोई नेटवर्क की। इसके बावजूद आंगनवाड़ी सेविका गीता पूर्ति ने जनवरी से जून माह तक अति गंभीर कुपोषण के शिकार 20 बच्चों को बिहड़ क्षेत्र से लाकर चाईबासा कुपोषण उपचार केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराए। सरकार ने युवाओं को छल्ला है सुदेश महतो। आयसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि राज्य सरकार ने अपने पौने चार साल के कार्यकाल में राज्य की जनता को सिर्फ ठगा है। युवाओं से नौकरी और बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर सत्ता में आई इस सरकार ने युवाओं को हर मोर्चे में छला है। सुदेश महतो मंगलवार को मिलन समारोह में उक्त बातें कही। इस मौके पर बड़का गांव विधायक के पूर्व प्रतिनिधि सह कांग्रेस नेता उपेंद्र कुमार की अगुवाई में सैकड़ों युवाओं और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली है। मौके पर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी मौजूद थे। राज्य में डेंगू से एक और मौत। झारखंड के दुमका जिले में डेंगू से मंगलवार रात एक मरीज की मौत हो गई है। वह दुमका के अस्पताल में ही इलाजरत था। इसके साथ ही राज्य में डेंगू से मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में डेंगू से अब तक 6 लोगों की जान गंवा चुके हैं। गिरिडीह में मंगलवार को डेंगू के 34 मरीज मिले हैं, वहीं पूर्वी सिंहभूम में 3, रांची में 24 मरीजों की पहचान हुई है, वहीं धनबाद में 2, साहेबगंज में 9 और सिमडेगा में डेंगू के 1 मरीज मिला है। मंगलवार को राज्य भर में डेंगू के 73 मरीज मिले हैं। राज्य भर में चिकनगुनिया के 233 संदिग्ध मरीज मिले हैं। हालांकि जांच के बाद एक भी मरीजों में चिकनगुनिया की पुष्टि नहीं हुई है। लातेहार में कम राशन दे रहे राशन दुकानदार, विभाग ने दी चेतावनी। लातेहार जिले के सभी प्रखंडों में राशन दुकानदारों द्वारा कार्डधारियों के राशन में कटौती का मामला लगातार सामने आ रहा है। सबसे अधिक मामले जिले के बरवाडीह व मनका प्रखंड से सामने आते हैं। इधर सदर प्रखंड के इचाक पंचायत अंतर्गत कुरा निवासी डीलर केदार प्रसाद द्वारा कार्डधारियों के राशन की कटौती करने का मामला प्रकाश में आया है। डीलर का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा सभी डीलरों के राशन में कटौती की जा रही है, इसी वजह से कार्डधारियों के राशन में कटौती हो रही है, जबकि राज्य सरकार या जिला आपूर्ति विभाग द्वारा किसी डीलर के राशन की कटौती नहीं की गई है। विभाग का कहना है कि कार्डधारियों से राशन कटौती करने पर संबंधित डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीलर केदार प्रसाद द्वारा कार्डधारियों के लिए एक लिखित सूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी डीलर के राशन की कटौती की गई है, इसलिए सभी कार्डधारियों को कम राशन दिया जाएगा। इसकी सूचना कई कार्डधारियों ने उपायुक्त को दी है। 1 नवंबर से शुरू होगी मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता। खेलकूद व युवा कार्य निदेशालय रांची की ओर से वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह पुरुष व महिला दोनों वर्गों में आयोजित होगी। प्रतियोगिता की शुरुआत 1 नवंबर 2023 से जिले के सभी 194 पंचायतों में होनी है। प्रतियोगिता में भागीदारी करने वाले खिलाड़ियों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह जानकारी जिला खेल पदाधिकारी संतोष कुमार ने दी। उन्होंने बताया है कि यह प्रतियोगिता पंचायत स्तर से शुरू होकर राज्य स्तर तक आयोजित होगी। प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी मैच नॉकआउट आधार पर खेले जाएंगे। बताया गया है कि जिले भर में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता के संचालन के लिए पंचायत स्तर पर गठित कमेटी के अध्यक्ष मुखिया होंगे। धन्यवाद।